हेलो नमस्कार दोस्तों, 16 मार्च 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारी डिस्कशन वो स्टार्ट करते हैं। देखो तो सबसे पहले जो आज एक बड़ा आर्टिकल आया है वो आया है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के बारे में। तो इस आर्टिकल में वैसे कुछ ज़्यादा पॉइंट है नहीं एग्जाम के लिए, तो इसको केवल हम आपको नोट्स वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके तो एक दो पॉइंट्स हैं वो हम यहीं पर डिस्कस कर लेंगे ताकि एग्जाम वगैरह हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं तो हम देख ले। बाकी इतना कॉम्प्लिकेटेड सा आर्टिकल, कॉम्प्लिकेट का मतलब ये है कि एग्जाम के लिए इसमें कोई पॉइंट है नहीं जो हम एग्जाम में इतना यूज़ वगैरह कर सकते हैं। तो देखो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का सीन आज का ऐसा चल रहा है कि बॉर्डर के ऊपर फायरिंग हो लगातार हो रही है। एक बार पाकिस्तान ने कर दी, फिर इंडिया उसके बाद दोबारा दोबारा अटैक करता है, फिर पाकिस्तान अटैक कर रहा है, फिर इंडिया अटैक कर रहा है। मतलब सीन ऐसा हो रहा है कि बॉर्डर पे एक तरीके का तमाशा मचा रखा है दोनों कंट्रीज ने। लगातार सीज फायर का उल्लंघन है वो होता जा रहा है। एक कंट्री है वो दूसरे पर आरोप लगा देती है, फिर दूसरी कंट्री आती है वो वापस आरोप लगाती है कि भी नहीं इंडिया की तरफ से हुआ था, फिर इंडिया बोलता है कि नहीं नहीं पाकिस्तान की तरफ से हुआ था। मतलब सीन क्या है, कोई भी तो कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। बस क्रॉस बॉर्डर फायरिंग वो लगातार हो रही है और सीज फायर का जो उल्लंघन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखो डाटा भी दिया गया कुछ कि इस बार अभी देखा जाए तो 633 सीज फायर का उल्लंघन है वो अभी तक हो चुका है पाकिस्तान के द्वारा, और इंडिया काफ़ी सिविलियंस की जाने भी चली गई हैं। अप्रोक्सीमेट 12 के आसपास सिविलियंस है वो उनकी जाने जा चुकी हैं। इसके अलावा इंडिया की तरफ से भी काफ़ी बमबारी या काफ़ी अटैक है वो किए गए हैं। अब देखो यहाँ पे एक दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जो आप मतलब एग्जाम में थोड़ी बहुत यूज कर सकते हो। वो पॉइंट सबसे पहला ये आता है कि 3 पॉइंट स्ट्रेटजी है इंडिया की, वो देख लेते हैं यहाँ पे, और फिर पाकिस्तान की 3 पॉइंट स्ट्रेटजी कौन सी है। देखो इंडिया की 3 पॉइंट स्ट्रेटजी है ना, उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये आता है कि बुलेट की, बुलेट पर वार्ता, मतलब कि एक साइड तो बुलेट रखो और फिर उसके बाद में आप एक साइड है वो आप बात करो, ये ऑप्शन होता है पहला। दूसरा ये होता है कि बुलेट है वो साथ साथ रखो, मतलब एक साइड तो आप लगातार फायर भी करते रहो एक साइड और भी बातचीत भी रखो, तो दोनों स्वर मतलब बैलेंस अप्रोच बना के चलो कि जब कभी पाकिस्तान ज़्यादा हमला करता है तो बंदूक चला दो, जब पाकिस्तान नॉर्मल बात करने के लिए मूड में आपको लग रहा है कि हाँ अब पाकिस्तान से बातचीत की जा सकती है तो उस माहौल में आप बातचीत के द्वारा समाधान है वो निकालो। और तीसरा मेथड है वो ये है कि बस पाकिस्तान की कुछ मत सुनो, सिर्फ लगातार बमबारी है उसके ऊपर फोकस करो और लगातार बम पे बम है वो पाकिस्तान पे डालते जाओ। तो ये 3 स्ट्रेटजी कॉन्सेप्ट है वो बताया गया कि भाई इंडिया ये 3 स्ट्रेटजी की मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में बात आती है पाकिस्तान की, पाकिस्तान है वो भी 3 मेथड वो यूज़ करता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो उसमें कौन कौन से थे, सबसे पहला पाकिस्तान का ये है कि बॉर्डर के ऊपर हिंसा, जैसे कि जो मेनली जम्मू एंड कश्मीर का इश्यू डिस्कस किया गया कि भाई जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर पर पाकिस्तान है वो हिंसा लगातार फैलाता जा रहा है। इसके बाद में दूसरा आता है वो आता है कि जम्मू एंड कश्मीर में घुसपैठ, और तो तीसरा मेथड आता है वो आता है कि जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर बयानबाजी करना फालतू की, ताकि जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे को नेशनलाइज इंटरनेशनल है वो फैलाना, ताकि उसकी जो वैल्यू है उसको गिराना, ये मैंने उसका तीसरा काम है। तो ये तीन पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो मैंने 3 स्ट्रेटजिक पॉइंट इंडिया की तरफ से डिस्कस किए गए और 3 ही पाकिस्तान की तरफ से, तो ये इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। इसके अलावा सारी डाटा वगैरह वो दिया गया है कि भाई किस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान पर आरोप लगा रहा है और किस तरीके से पाकिस्तान है वो इंडिया पर आरोप है लगाते जा रहे हैं। तो वैसे कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल यहाँ पे आता है वो आता है आज इंडिया और रशिया रिलेशन के बारे में। तो इस आर्टिकल को हम यहाँ पे देखने की डिस्कस करेंगे, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है इंडिया और रशिया के रिलेशन के लिए, GS2 में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो आर्टिकल की शुरुआत है ना बहुत अच्छे ढंग से की गई है। सबसे पहले आर्टिकल में कहा गया है कि भाई इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है वो स्टार्टिंग से काफ़ी अच्छे रहे हैं, और इवन जो रशिया है वो इंडिया का बहुत बड़ा एक तरीके से आप बोल सकते हो कि दोस्त भी रहा है। मतलब रशिया ने कभी इंडिया को धोखा नहीं दिया है और हर मौके पर इंडिया की हेल्प है वो रशिया ने की है। बात स्टार्टिंग करते हैं हम 1947 के टाइम से। देखो 1947 के टाइम पर रशिया है उसने इंडिया को सपोर्ट किया था, नई कंट्री बनी थी इंडिया, तो ओबियसली वो हो सकता है कि रशिया के खुद के अपने इंटरेस्ट थे कि भाई वो समाजवादी जो विचारधारा है उसको फैला सके, बट रशिया ने इंडिया की हमेशा हेल्प है वो की है। इवन देखा जाए तो 1971 का जो वार हुआ था उस वार में भी रशिया ने इंडिया की हेल्प है वो की थी, और जब पाकिस्तान के साथ हमारा वार हुआ था 1965 में उस टाइम पे भी रशिया ने हमें वेपन्स है वो प्रोवाइड करवाए थे। मतलब रशिया ने हमें हर मौके पर वेपन्स वगैरह प्रोवाइड करें, और जहाँ भी हमारी हेल्प करने की जरूरत हुई है उस मौके पर रशिया हमारे साथ है वो खड़ा रहा है। देखा जाए तो सीन ऐसा मतलब काफ़ी क्लोजनेस है वो रही है। बट इसके बाद में राइटर ये कह रहे हैं कि देखो आज का सीन है वो काफ़ी अलग होता जा रहा है। आज रसिया है वो इंडिया से दूर होता जा रहा है और इंडिया भी रसिया से दूर होता जा रहा है, मतलब दोनों ही कंट्री एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। देखा जाए तो आज रसिया जो आज उस रसिया की बात की जा रही है कि जो कभी पाकिस्तान के क्लोज आने की सोचता ही नहीं था कि भाई पाकिस्तान के वो क्लोज जाएगा, आज वो रसिया पाकिस्तान के क्लोज हो रहा है, चाइना के क्लोज हो रहा है, दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी बट उसके बाद भी रसिया है आज का वो पाकिस्तान के साथ भी जा रहा है, चाइना के साथ भी जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया के इंटरेस्ट के लिए अच्छी
ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे तो राइटर एक बात ये भी कह रहे हैं कि भाई रसिया है वो ऐसा नहीं कह रहा है कि हमारी इंडिया से दुश्मनी हो गई, वैसा कोई सीन नहीं है, बट आज उनकी जो क्लोजनेस है रसिया की वो पाकिस्तान और चाइना के साथ लगातार बढ़ रही है और इंडिया के साथ घट रही है। मतलब इंडिया के साथ जो रिलेशन होने चाहिए रसिया के जो पिछले टाइम तक थे वो रिलेशन आज नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन्स क्या है कि ट्रेड वगैरह भी ठीक नहीं हो पा रहा है, इसके साथ और भी बहुत से रीजन्स हैं वो डिस्कस किए गए हैं। सबसे बड़ी बात देखो ये आती है कि आर्टिकल राइटर ये कह रहे हैं इसके साथ कि भाई यूएसए है ना उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए इंडिया को, क्योंकि यूएसए है ना कभी किसी के बाप का नहीं रहा है। यूएसए का सीन सीधा सा है कि जहाँ उसको प्रॉफिट हो रहा है उसके साथ रहे, इवन देखा जाए तो यूरोप के साथ भी यूएसए तब भी तक है जब उसके इंटरेस्ट हो रहे हो। देखा जाए तो जो यूएसए हैं वो चाइना के पाकिस्तान के साथ थोड़ी यहाँ डिस्कस किया गया कि यूएसए हैं वो स्टार्टिंग में पाकिस्तान का बहुत क्लोज दोस्त था पर उसने भी पाकिस्तान का एक लिमिट के बाद साथ नहीं दिया। मतलब जहाँ भी मौका मिला है यूएसए को उसने अपने प्रॉफिट को सर्व किया है, उसे बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। तो इंडिया को इस मामले में सजग रहना चाहिए और इंडिया को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई यूएसए वो हमारा बहुत वफादार दोस्त हो सकता है, क्योंकि यूएसए ने आज तक कभी किसी को ऐसा उसका कोई सगा नहीं है जिसको उसने ठगा नहीं है, वो वाली बात यहाँ पर आती है। इसके बाद में राइटर कह रहे हैं कि देखो जो रसिया है वो हमारा ट्रस्टवर्दी अलायंस है, इसलिए हमें रसिया को खोना बिल्कुल नहीं चाहिए और हमें हमारे जो रिलेशन है वो रसिया के साथ लगातार इंप्रूव है वो करने चाहिए। मतलब रसिया हमारा ऑलमोस्ट बात ही है कि भरोसेमंद पार्टनर है और इंडिया को रसिया के साथ अपने रिलेशन है उनको लगातार इंप्रूव करना है। देखो बात आती है कि हम मैक्सिमम जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो हम रसिया से इंपोर्ट है वो कर देते हैं और आज भी हम काफ़ी सारे इक्विपमेंट है वो रसिया से इंपोर्ट करते हैं। रसिया की तो जो टेक्नोलॉजी है वो भी काफ़ी अच्छी है और इवन रसिया हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें काफ़ी सारा सपोर्ट वगैरह वो भी प्रोवाइड करता है, तो इंडिया के लिए ऑल ओवर देखा जाए तो काफ़ी बेनिफिट रहा है हमेशा से ही। जबकि आपको पता है कि जो यूएस है उसका ऐसा कोई सीन नहीं है, यूएसए हमें टेक्नोलॉजी वगैरह कम ही प्रोवाइड करता है, वो हमें केवल वेपन्स वगैरह उनकी सप्लाई कर देता है कि भाई ताकि हम उसके कस्टमर हो बने रहें, जबकि रशिया ने हमें वेपन्स वगैरह के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी दिया ताकि हम भी हमारे वेपन्स हैं वो बना सकें। इसके बाद में बात आती है क्वाड ग्रुप की कि देखो क्वाड ग्रुप जो हमारे जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया यूएसए और जापान ने मिलकर बनाया है, ये क्वाड ग्रुप भी कहीं ना कहीं इन रसिया और चाइना को काउंटर कर रहा है, क्योंकि देखो चाइना और रसिया आजकल काफ़ी क्लोज आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम एक तरीके से अगर चाइना को काउंटर करें तो इसका मतलब साफ साफ ही हुआ ना कि हम रसिया को भी कहीं ना कहीं काउंटर करना चाहते हैं, तो वो हमारे इंटरेस्ट के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रसिया ने हमारा हर हेल्प या हर जगह पर हमें सपोर्ट है वो किया है। इसके बाद में बात ये आती है कि देखो इंडिया और रसिया हैं वो दोनों कभी एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है कि रसिया को इंडिया की तरह कोई साथी वो पार्टनर वो मिल सकता है और ना ही इंडिया को रसिया की तरह कोई पार्टनर है वो मिल पाएगा। मतलब दोनों ही कंट्री एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी हैं और दोनों कभी एक दूसरे को रिप्लेस कर नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि जो रसिया है वो एक्चुअली इंडिया को रिप्लेस करके पाकिस्तान को जगह दे सकता है, बिल्कुल नहीं है, और ना ही इंडिया है वो रसिया को रिप्लेस करके किसी दूसरी कंट्री को तवज्जो वो दे सकता है। तो दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में जो पीपल टू पीपल टाई है हमें उनको कनेक्ट बढ़ाना होगा। इसके साथ ही जो भी उनके सेक्रेटरी लेवल की जो विजिट है वो इंडिया पे हुई थी तो उसमें भी हमें काफ़ी फायदा उठाना चाहिए। मतलब मेन बात यहाँ पे ये फोकस की गई कि इंडिया और रशिया के रिलेशन स्टार्टिंग से काफ़ी अच्छे रहे हैं। देखा जाए तो नैम की बात भी यहाँ पे डिस्कस की गई है कि भाई जो नॉन अलायंस मूवमेंट बना था जो कोल्ड वार चला था उस टाइम पर भी जो नैम था नॉन अलायंस मूवमेंट था वो भी कहीं ना कहीं रशिया के फेवर में था। देखो इनडायरेक्टली वो रशिया का फेवर कर रहा था और उस टाइम पर रशिया को भी इस चीज़ का पता था कि भाई इंडिया की सिचुएशन आती है इसलिए इंडिया डायरेक्टली यूएसएसआर को सपोर्ट है रशिया को सपोर्ट है वो नहीं कर पा रहा है। तो मतलब बात यहाँ पे बताया जा रहा है घुमा फिरा के और कंक्लूजन में भी कि भाई इंडिया और रशिया के रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही कंट्रीज के बीच में रिलेशन बहुत अच्छे रहे स्टार्टिंग से ही, तो जो भी अभी मतभेद या जो भी ट्रेड में कुछ इश्यू आ रहा है उसको दूर करना चाहिए और रिलेशंस को पहले की तरह वापस पटरी पर लाने की बात है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल के बारे में। फ्यूगेटिव का मतलब होता है भगोड़े लोग होते हैं वो, जैसे कि विजय माल्या हुआ या फिर नीरव मोदी के बारे में। यह आर्टिकल GS-3 के लिए इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इस आर्टिकल में है क्या। देखो फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल 2018 के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया, इसमें मेनली ये डिस्कस किया गया है कि हमारे देश में आज के टाइम पे एक के बाद एक घोटाला होता जा रहा है, चाहे रोटोमेक का एग्जांपल है, रोटोमेक कंपनी का घोटाला हुआ, इसके बाद नीरव मोदी ने घोटाला किया और विजय माल्या का सबसे पहले का घोटाला था। मतलब ऐसा है कि घोटाले ऐसे भी नहीं कि 100-200 करोड़ रुपए के घोटाले, सभी घोटाले बड़े बड़े घोटाले हैं जो कि हमारे देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया उन्होंने। इसके बाद में देखो बात ये की जाती है कि जो फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल है वो किस पे काम करेगा, तो जो भगोड़ा ऑफेंडर वाला जो बिल है ये उन लोगों पर काम करेगा जिन्होंने जैसे नीरव मोदी हुए, मतलब जिन्होंने क्या किया इंडिया में घपला किया और फिर वो लोग भाग गए। अब देखो हम थोड़ा कंटेक्ट डिस्कस करते हैं कि लोग भगोड़े वगैरह क्यों बनते हैं। देखो सीन कुछ ऐसा है कि कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ सब लोगों का डिस्कस नहीं किया गया, कुछ व्यापारी या कुछ लोगों को यहाँ पे डिस्कस किया गया कि वो क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि यार एक काम करते हैं गवर्नमेंट से हमारा अच्छा खासा लोन ले लेते हैं और फिर क्या है? हम या तो भाग जाते हैं या फिर हम कुछ ना कुछ ऐसा काम कर लेते हैं जैसे कि हमें तो कुछ लॉस हो या नहीं हो बट हमारी जो आगे फ्यूचर जनरेशन है या फिर हमारा जो बिजनेस वगैरह है वो आगे कंटिन्यू होता रहे। क्योंकि देखो
हमारे देश में ये प्रावधान है कि अगर किसी भी इंसान ने लोन लिया, अगर वो इंसान लोन लेके मर जाता है तो उसका मतलब क्या है, वो लोन है वो भी खत्म हो गया, क्योंकि वो इंसान ही मर गया तो अब लोन किससे रिकवर करेंगी। बट कई बार इस चीज़ का क्या है, कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं कि भाई लोन तो ले लेते हैं, फिर सोचते हैं कि यार कोई बात नहीं, मैंने लोन लिया, अगर मैं कहीं दूसरी कंट्री में भाग भी जाऊँगा या जेल में भी चला जाऊँगा तो मेरा कोई बात नहीं है, मेरी जो औलाद है, मेरी जो फ्यूचर जनरेशन है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकती है, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी ले ली है, उन उन सब में जो मेरी फ्यूचर की जनरेशन है वो उसका फ़ायदा बेनिफिट है वो ले सकती है। बट गवर्नमेंट ने इसी समस्या का निपटारा करने के लिए जो फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल है वो लेके आई है गवर्नमेंट, ताकि इसमें ये प्रावधान किया गया है कि भाई जो भगोड़े लोग हैं ना उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अब ऑब्वियसली अगर संपत्ति जब्त कर ली जाएगी तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो अपनी फ्यूचर जनरेशन की सेफ्टी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑब्वियसली उनकी संपत्ति वो सारी जब्त कर लेगी, तो कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो एक्टिव और पैसिव जो भी संपत्ति है कहीं ना कहीं कि उन्होंने फर्जी तरीके से किसी दूसरे के नाम कर रही है बेनामी संपत्ति वगैरह, वो सारी संपत्ति यहाँ पर जब्त कर ली जाएगी। तो उस पर लगाम लगाने के लिए गवर्नमेंट का बिल काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। अब देखो कुछ पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, जैसे कुछ अच्छे पॉइंट में सबसे पहली बात यही है कि जो संपत्ति है वो जब्त कर ली जाएगी जो भी भगोड़ा है उसकी, ताकि उससे सबसे अच्छा फायदा यह होगा कि हमारे देश की इकोनॉमी है वो वापस पटरी पे आ सकती है, क्योंकि देखो अगर संपत्ति जब्त की जाती है तो बैंक अपना पैसा वसूल सकते हैं और जो भी पैसा मिलेगा उससे जो भी लोन वगैरह उसकी अमाउंट को रिकवर है वो किया जा सकता है। इसके बाद में बात ये आती है कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा डिसीजन ये लिया है कि भाई स्पेशल कोर्ट है वो बनाई जाएंगी ताकि जो इकोनॉमिक ऑफेंडर है उनका मामला जल्द से जल्द सेट किया जाए, मतलब जो इकोनॉमिक ऑफेंडर कहीं ऐसा नहीं हो कि इंडिया के अंदर उन्होंने कोई क्राइम या कोई अपराध करें फिर दूसरी कंट्री में भाग जाएं, तो इसके लिए उन्होंने स्पेशल कोर्ट का प्रावधान किए हैं। इसके बाद में बात की जाती है रूल ऑफ लॉ, देखो हमारे देश में रूल ऑफ लॉ के काफ़ी वैल्यू, क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी है इसलिए रूल ऑफ लॉ और अपराधी के मन में भय भी होना बहुत जरूरी है, तो गवर्नमेंट एक डिटरेंस बना रख के रखना चाहती है ताकि फ्यूचर में कोई भी जो इस तरीके के भगोड़े बनने का प्लान करें, कोई भी है बिजनेस में ना कोई भी एनीथिंग कि वो भाई पैसे लेके भाग जाए, उनके ऊपर मन में भय हो सके कि भाई अगर बोल पैसे लेके भाग भी गए तो उनको लॉस होने वाला, उनको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ऑल ओवर उनको बहुत बड़ा नुकसान है वो हो जाएगा। तो ये मैंने तीन रीजन के आधार पर गवर्नमेंट ये बिल है वो लेके आई है। इसके साथ ही एक आर्टिकल और है इकोनॉमी का, वो भी इससे कुछ रिलेटेड ही है, उसमें क्या है उसमें देखते हैं। उसमें ये कहा गया है कि देखो लेटर ऑफ कंफर्ट और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है, इनको गवर्नमेंट ने अभी बैन कर दिया है। तो हम एक बार थोड़ा सा ये देखते हैं कि लेटर ऑफ कंफर्ट और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है वो है क्या। वैसे हमने इसके बारे में एक बार डिस्कस भी किया था, बट एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं। देखो लेटर ऑफ कंफर्ट और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का मतलब ये है कि कोई भी बिजनेसमैन जो कि फॉरेन में बिजनेस कर रहा है, जिसके कोई भी ये मान लो कि ए आदमी है, जैसे कि नीरव मोदी एग्जाम्पल होगा, नीरव मोदी फॉरेन में बिजनेस कर रहे थे तो उनको फॉरेन में पैसा वगैरह चाहिए वहाँ पे, तो वो पैसा किस तरीके से लेंगे जबकि उनकी सारी प्रॉपर्टी तो इंडिया में, तो वो क्या करेंगे कि जो भी उनका काफ़ी क्लोज बैंक है ना जिसके साथ उनके रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं या जिनके साथ उनका मतलब मैन उनका बिजनेस वगैरह का अकाउंट है, तो उस बैंक से क्या वो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या लेटर ऑफ कंफर्ट ले लेते थे, मतलब कि वो बैंक गारंटी ले लेता था कि हाँ भाई फॉरेन में जो बैंक है उनके साथ कि हाँ भाई अगर नीरव मोदी पैसे नहीं चुका रहा है तो हम उसके पैसे चुकाएंगे क्योंकि हमारे साथ इसके रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं और हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी भी है, तो अगर ये इंसान भरोसे लायक है, इस तरीके से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वो जारी किए जाते थे। बट अभी इसका काफ़ी मिसयूज है, वो देखा था हमने किस तरीके से नीरव मोदी ने 12,800 करोड़ रुपये घोटाला किया था, इवन जो देखा जाए तो विजय माल्या ने भी इसके घोटाले वो किए थे, तो इसलिए गवर्नमेंट ने मतलब RBI ने इन सबके ऊपर लगाम है वो लगा दिए ताकि इस तरीके की लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वगैरह जारी ना किया जाए। तो मेनली लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का आप यही ध्यान रखना कि है जो फॉरेन के अंदर किसी भी अगर इंडिया के व्यापारी को पैसे चाहिए हो तो फॉरेन ब्रांच से पैसे लेता है तो उसकी गारंटी इंडिया का कोई भी बैंक जो वहाँ पे है वो ले लेता है कि हाँ भाई ठीक है इसका गारंटर बन जाता हूँ, तो एक तरीके से बैंक इसका गारंटर है वो बन जाते हैं कस्टमर के, वो होता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। इसके बाद में देखो राइटर इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मेनली राइटर इसको क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं कि राइटर का ऐसा कहना है कि देखो भाई बात ऐसी है गवर्नमेंट का डिसीजन बहुत अच्छा है कोई बात नहीं इसमें, बट इसमें कमी यह है यहाँ पे कि जो ईमानदार लोग हैं ना उनको लॉस हो जाएगा, क्योंकि जो लोग ईमानदार हैं और जो अपना बिजनेस वगैरह कर रहे हैं बड़ी ईमानदारी के साथ, अगर उनको फ्यूचर में पैसा चाहिए होगा फॉरेन के अंदर तो वो पैसा कहाँ से जुगाड़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो LOU वगैरह को उनको बैन कर दिया है, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है, किसी एक इंसान की गलती या खामियाजा बाकी लोगों को नहीं भुगतना चाहिए, तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर वापस सोचना चाहिए। इसके बाद में बात ये आती है कि RBI की, कि देखो आजकल RBI को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि RBI की वजह से RBI बैंकों को कंट्रोल नहीं कर रही और उसकी वजह से ये घोटाले होते जा रहे हैं, तो RBI ने ये कहा भाई साहब कि देखो हमें एक बार आप पावर है वो दो, क्योंकि हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम बैंकों को ढंग से रेगुलेट कर पाएं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे पास पावर नहीं रखी है। तो इसी बात को लेकर RBI के गवर्नर है उर्जित पटेल, उन्होंने कहा है कि भाई RBI को एम्पावर करने की भी जरूरत है, RBI को थोड़ी पावर वगैरह चाहिए, थोड़ी ऑटोनॉमी चाहिए ताकि वो प्रॉपर ढंग से काम कर सके और जो भी इस तरीके के बैंकों में फ्रॉड हो रहे हैं उनके ऊपर लगाम लगाई जा सके। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, दोनों में के बारे में हमने डिस्कस किया कि क्या तो सीन है और क्या यहाँ पे हमारे लिए पॉइंट है वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है आज एक्टिव यूथनेशिया के बारे में। आज आपको पता है यहाँ पे फ्राइडे है तो उसको लेके आर्टिकल आया है। क्वेश्चन आज का वो ये है
कि एक्टिव यूथनेसिया है, क्या वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इंडिया में इसके बारे में, क्योंकि देखो पैसिव यूथनेसिया अभी हम सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, तो उसी के बारे में कि भाई एक्टिव यूथनेसिया को भी अलाउ करना चाहिए अब नहीं करना चाहिए। तो चलते हैं इसके बारे में, इसके जो पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले हाँ का पॉइंट आता है उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद में ना और फिर कॉम्प्लिकेटेड वाला जो भी पॉइंट्स है उसको। अब देखो एक्टिव यूथनेसिया और पैसिव यूथनेसिया को एक बार जल्दी से हम रिवाइज है वो कर लेते हैं बस 10-15 सेकंड में। बात ऐसी है कि जैसे कोई भी इंसान है वो मतलब ऐसी स्टेज में पहुंच गया कि जहाँ से उसका रिकवर होना बिल्कुल भी मुश्किल है, मतलब वो रिकवर नहीं हो सकता उस चीज़ से, तो उसके पास मरने के ऑप्शन बचा है कि वो सोचता है कि यार मैं ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, इससे अच्छा है कि मुझे मौत ही मिल जाए। तो उसकी मौत आने के भी दो तरीके होते हैं। पहला मेथड होता है वो एक तो ये होता है कि उसको कोई जहर वगैरह का इंजेक्शन दे दिया जाए, तो उसको तो बोलेंगे एक्टिव यूथनेसिया, मतलब एक्टिव फॉर्म में कुछ ना कुछ काम किया जा रहा है। दूसरा होता है पैसिव यूथनेसिया। पैसिव यूथनेसिया का मतलब ये होता है कि जो इंसान परेशान है, जो उसको मरना है मतलब अब उसका बचना नामुमकिन है, उस इंसान को क्या किया जाए कि उसको जैसे वेंटिलेटर वगैरह पर रखा जा रहा है या फिर उसको कोई मेडिसिन वगैरह दी जा रही है उनको रोक दिया जाए। मतलब जो हेल्थ जो उसकी लाइफ को बचा रहे हैं, जो मेडिसिन वगैरह जो भी इक्विपमेंट बचा रहे हैं उनको अगर हटा दिया जाए तो इंसान अपने आप ही तरफ मर जाएगा, तो उसको बोलते हैं पैसिव यूथनेसिया। तो अभी हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेसिया को अलाउ कर दिया है कि भाई कोई भी इंसान जिसको अभी मतलब काफ़ी दिक्कत हो रही है, जिसका जीना मुश्किल है, उस इंसान को पैसिव यूथनेसिया वो अलाउ है। वो भी केवल लिमिट है उसमें भी कि भाई उसकी प्रॉपर जाँच वगैरह होगी, कमेटी वगैरह होगी, इसके बारे में हमने काफ़ी आर्टिकल अच्छे से डिस्कस भी किया था। तो वो बात आती है यहाँ पे पैसिव यूथनेसिया की, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही लिविंग विल के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि लिविंग विल ये होती है कि कोई भी इंसान एकदम जिंदा, एकदम हेल्दी, स्वस्थ है, 18 साल से ऊपर का है, तो वो अपनी वसीयत तैयार कर सकता है जीने की कि भाई अगर फ्यूचर में मेरे साथ ऐसी कंडीशन हो जाए कि मैं एक तरीके से रिकवर नहीं हो पाऊँ, मतलब मैं वेजिटेटिव स्टेज में पहुँच जाऊँ जहाँ से मेरा ठीक होना नामुमकिन है, कोमा से भी बेहतर स्टेज में पहुँच जाऊँ, तो उस कंडीशन में मेरे को इस तरीके से मारा जाए या मतलब पैसे उतने से वो अलाउ कर दिया जाए, तो एक वसीयत के रूप में ऐसा लिख दे अपने मरने के बारे में, उस वसीयत को बोलते हैं लिविंग विल। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। अब देखो यहाँ पे बात ये आती है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, अभी हमारे देश में जो राइट टू लाइफ है वो हमारे देश में फंडामेंटल राइट था, बट अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया कि भाई राइट टू डाई विद डिग्निटी है वो भी फंडामेंटल राइट है। मतलब राइट टू डाई विद डिग्निटी मतलब ये हो गया कि मरने का अधिकार कौन सा, वो भी पैसिव यूथनेसिया के थ्रू, वो फंडामेंटल राइट है, ना कि एक्टिव यूथनेसिया वाला, क्योंकि आधा काम ये भी हुआ है। तो इसके बारे में यस वाला पॉइंट देखते हैं कि भाई क्यों नेक्स्ट स्टेप जो एक्टिव यूथनेसिया है उसको अलाउ करना चाहिए। तो यस वाले भाई साहब, यस वाली मैडम, वो ये कह रही हैं कि देखो भाई बात ऐसी है कि भी सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है वो काफ़ी अच्छी बात है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अपनी गाइडलाइन है वो आधी रखी है, आधा राइट ही दिया, क्योंकि आधी राइट इसलिए कहा गया है कि देखो राइट टू डाई तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, पर राइट टू डाई में भी ये कहा है कि भाई पैसिव यूथनेसिया के थ्रू ही मर सकते हैं, तो भाई एक्टिव यूथनेसिया के थ्रू क्यों नहीं मर सकते हैं? एक्टिव यूथनेसिया को भी अलाउ करना चाहिए। तो कोई इंसान अगर ज़्यादा बहुत पेन हो रहा हो तो उस कंडीशन में पेन नहीं सहन कर सकता, तो अगर उसके जो लाइफ सपोर्टर इक्विपमेंट है अगर उनको हटाया जाएगा तो वो ज़्यादा तड़प तड़प के मरेगा, तो इससे अच्छा है कि उसको जहर वगैरह का इंजेक्शन दे दिया जाए ताकि वो शांति से तो मर सके। तो यहाँ पे राइट टू डाई विद डिग्निटी वाली बात आते हैं, मतलब कि सम्मान के साथ किसी को मरना है, तो उस कंडीशन में एक्टिव यूथनेसिया भी काफ़ी अहम रोल है, वो निभाएगा, तो हमें इस चीज़ पे फोकस है वो करना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे कही गई है कि भाई जो गाइडलाइन है वो प्रॉपर ढंग से अलाउ करनी है, ऐसा नहीं है कि आधी गाइडलाइन ही सुप्रीम कोर्ट के जो बताई गई है उनको लागू किया जा रहा है। तो इस चीज़ के वो फोकस किया गया है, क्योंकि वही बात की जा रही है कि भाई आधे फंडामेंटल राइट को क्यों अप्लाई किया गया, पूरे फंडामेंटल राइट को अप्लाई करना है कि राइट टू डाई है, तो राइट टू डाई का मतलब ये हो सकता है कि भाई एक्टिव तरीके से भी उसको मार दिया जाए और पैसिव तरीके से भी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव तरीके से तो कर दिया है, बट एक्टिव तरीके से भी इसको अलाउ करना चाहिए। और इसके साथ ये कहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से राइट टू डाई विद डिग्निटी में कहा है कि भाई वो पैसिव तरीके से उसकी डेथ है वो की जा सकती है, पैसिव तरीके यूथनेसिया उसको अलाउ है, तो उसमें भी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने रखी है कि फ्यू गाइडलाइन रखी है कि भाई उन गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए उसकी मृत्यु है वो सुनिश्चित की जा सकती है। तो उसी तरीके से एक्टिव यूथनेसिया में भी सुप्रीम कोर्ट को कुछ गाइडलाइन है वो लेके आनी चाहिए, इसके बाद इसे अलाउ है वो करना चाहिए, मतलब फ्यू गाइडलाइन के साथ इसे अलाउ है वो यहाँ पे करना है। अब नो वाला पॉइंट देखते हैं कि नो वाले में क्या डिस्कस किया गया है। नो वाले पॉइंट में डिस्कस किया कि भाई बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए। क्यों अलाउ नहीं करना चाहिए? सबसे बड़ा पॉइंट तो इनके द्वारा यही दिया जा रहा है कि भाई देखो हमारे देश में भी इंडस्ट्रीज के लिए प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि इसका मिसयूज़ होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज हैं। हो सकता है कोई फैमिली मेंबर वगैरह वो जानबूझ के डॉक्टर वगैरह के साथ अपना जुगाड़ तुगाड़ लगा के किसी भी इंसान को प्रॉपर्टी वगैरह किसी भी ऐसे रीजंस के लिए मरवा सकता है, तो ये चीज़ अलाउ नहीं होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, और ये हमारी जो ह्यूमैनिटी है उसके भी इसका अगेंस्ट है। किलिंग का रोल है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा, लोग एक दूसरे को मरवाने के कॉन्सेप्ट का यूज़ है वो कर सकते हैं, मतलब मिसयूज़ के चांसेस अभी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया के जो लॉ एंड ऑर्डर या जो कानून है वो अभी इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सही नहीं है, तो इसलिए इस चीज़ को अलाउ हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेन बात यह कि इंडिया भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, ये अगर क्राइम है तो और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। जैसे कि बात ये थी कि सुसाइड की, देखो हमारे देश में पहले ये था कि सुसाइड है उसको क्राइम माना जाता था, कि अगर कोई भी इंसान सुसाइड कर रहा है तो वो क्राइम है। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई इंसान सुसाइड कर रहा है तो भाई इसका मतलब उस इंसान की मेंटली हालत है वो ठीक नहीं है, मतलब दिमागी
संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए उसको ट्रीटमेंट वगैरह दिया जाता था। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि देखो कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता है, तो अगर कहीं वो मरने की बात करे इसका मतलब उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो हमें उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए, ना कि उसे मारना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कह दे कि हाँ भाई मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे मार दो, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, तो उसको मारना नहीं चाहिए, जबकि उसकी जो भी हेल्थ का रिकवर है वो करवाना चाहिए। इसके बाद में डिस्कस किया गया कि भाई देखो कई बार इंसान है वो तनाव वगैरह में होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, तो हो सकता है कि वो ऐसी बात कहे, तो इसलिए भी मैं मतलब गलत डिसीजन नहीं है, अच्छी बात नहीं है, इंडिया में अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेटेड में काफ़ी अच्छे पॉइंट हैं जिन्हें हम एग्जाम में यूज कर सकते हैं। इनका भाई ऐसा कहना है कि देखो पैसिव यूथनेसिया एक्टिव यूथनेसिया को अलाउ करना काफ़ी मुश्किल भरा है। क्यों मुश्किल भरा है? इनका ऐसा कहना है कि गवर्नमेंट देखो अलाउ कर सकते हैं नो डाउट, बट अभी हमारे देश में सबसे बड़ी बात तो है कि एक तो गवर्नमेंट को कानून बना होगा। पैसिव यूथनेसिया सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ गाइडलाइन, देखो ध्यान से सुनना, पैसिव यूथनेसिया को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन डिसाइड की है कि भाई ये है इस तरीके से है, बट राइटर ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को इसके लिए कानून है वो बनाना चाहिए, मतलब विधायिका को इस पर कानून बना के गवर्न है वो करना चाहिए। जब तक विधायिका पैसिव यूथनेसिया पे कानून नहीं बनेगी तो हम उसका रिजल्ट नहीं देख पाएंगे ना कि किस तरीके से इसका आउटकम आ रहा है। तो सबसे पहले हमें पैसिव यूथनेसिया का जो रिजल्ट डाई टू डाई वाली बात हुई है इसके ऊपर गवर्नमेंट को कानून बनाना चाहिए, उसके बाद कानून बनेगा तब हम उसका रिजल्ट देखेंगे कि भाई किस तरीके से इसका रिजल्ट है वो आ रहा है, और उस रिजल्ट को मद्देनजर रखते हुए हमें आगे का स्टेप उठाना है कि भाई पैसिव एक्टिव यूथनेसिया को अलाउ करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहले तो हमें पैसिव यूथनेसिया का पूरा काम है वो कंप्लीट करना है, अभी तो पैसिव का केवल एक तरीके से गाइडलाइन ही जारी की गई है। इसके बाद में बात यह आती है कि सबसे पहले हमें जो पैसिव यूथनेस के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसमें हमें एक्सपीरियंस फाइंड आउट करना होगा कि भाई उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्या लोगों को फायदा हो रहा है, क्या लोगों को नुकसान तो नहीं हो रहा है, और इससे हमारी सोसाइटी को फायदा हो रहा है नहीं हो रहा। अगर सोसाइटी को फायदा हो रहा है पैसिव यूथनेस से तभी हमें एक्टिव यूथनेस के बारे में सोचना है। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहिए जब भी कि भाई एक्टिव यूथनेस को भी अलाउ कर दें, क्योंकि जल्दबाजी हो जाएगी कहीं ना कहीं। सबसे पहले हमें पैसिव यूथनेस पर एक्सपेरिमेंट करना है, उसके बाद हमें एक्टिव यूथनेस पर एक्सपेरिमेंट करना है। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले आज हमने इंडिया रशिया रिलेशन के बारे में डिस्कस किया कि भाई इंडिया और रशिया के रिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से रिलेशन में दूरियां वो आ रही हैं और हमें क्या क्या स्टेप उठाने। इसके बाद में हमने डिस्कस किया कि जो भगोड़ा इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल है उसमें क्या क्या गवर्नमेंट ने भी प्रावधान किए हैं, और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि लेटर ऑफ कंफर्ट ऑफ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है उसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तो उसका क्या क्या नुकसान है वो हो सकता है। इसके बाद में हमने डिस्कस किया कि आरबीआई को भी इंपावर करने की जरूरत है। इसके बाद में हमने लास्ट में जो आर्टिकल डिस्कस किया वो ये था कि एक्टिव यूथनेसिया क्या नेक्स्ट स्टेप हो सकता है इंडिया में, क्योंकि पैसिव यूथनेसिया तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, तो उसके बारे में जो पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।